बीजेपी नेता पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया ने पथरिया विधायक रामबाई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह के लिए कहा कि जिन्हें जेल में होना चाहिए वह मिलकर चौथ वसूली कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कांग्रेसी नेता देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड से जुड़े आरोपियों के खिलाफ बंद में शामिल होने के लिए सिद्धार्थ मलैया पहुंचे थे। हटा निवासी चौरसिया परिवार का साथ देने के लिए प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया पहुंचे, पथरिया विधायक के खिलाफ बयान दिया। हटा में कांग्रेसी नेता देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड से जुड़े आरोपियों के खिलाफ बंद का आह्वान किया गया, जहां सिद्धार्थ मलैया ने साफ शब्दों में विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह के लिए कहा कि जिन्हें जेल में होना चाहिए वो मिलकर चौथ वसूली कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हटा बंद के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए सिद्धार्थ ने पथरिया विधायक रामबाई व उनके पति पर निशाना साधा। उन्होंने रामबाई की ओर इशारा करते हुए कहा कि अपराधियों की कोई पार्टी नहीं होती, कोई विचारधारा नहीं होती, वो तो कभी निर्दलीय तो कभी बसपा में पहुंच जाते हैं। पहले कमलनाथ उनके डैडी थे, अब शिवराज उनके डैडी हो गए हैं। उन्होंने कहा कि दमोह की जनता का चीरहरण रोकने कृष्णा नहीं आएंगे, हम सभी को भगवान श्री कृष्ण बनना होगा। पर मेरा वैसा व्यवहार नहीं है, मैं लड़ूंगा, हर बार लड़ूंगा बंजारे जी। मैं आपसे, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। जिस रात वहाँ पर जो हुआ उसका मैंने वापस से प्रतिकार नहीं किया, क्योंकि मेरे पिता ने वो करने नहीं दिया, क्योंकि उनकी वो शैली नहीं है और मेरी वैसी शैली है नहीं। तो मैं आपको कह रहा हूँ फिर से, मैं गिन गिन के हिसाब बराबर करूँगा, और ये हिसाब उसमें ही मेरे को। जब आप यहाँ आए थे तब मेरे मन में बहुत सारा था, एक साल के अंदर एक मन में ये भी था कि मैं फेसबुक से आपको कहूँ जिस चीज के लिए आपको यहाँ बुलाया गया है वो चीज आप मत करो। सभा के बाद हटा थाना में ज्ञापन देने के दौरान मलैया ने हटा TI राजेश बंजारे से कहा कि कोई गड़बड़ मत करना, नहीं तो वे गिन गिन के हिसाब लेंगे। TI से कहा कि उन्हें पता है कि उन्हें यहाँ किस लिए भेजा गया है, लेकिन ना ध्यान रखना जो करने के लिए आए हैं यहाँ भेजा गया है वह भूल कर भी मत करना। फिर उन्होंने विधायक रामबाई की और इशारा करते हुए कहा कि वो विधायक नहीं रहेंगी, यदि वो विधायक रहेंगी तो उन्हें प्रदेश के बाहर जाना होगा। इस दौरान हटा TI राजेश बंजारे ने अपनी सफाई देने का प्रयास भी किया, तो सिद्धार्थ ने TI से अंग्रेजी में कहा कि वह उनके सब्र की परीक्षा ना लें और उन्हें राजनीति करना ना सिखाएं। इसके बाद पथरिया विधायक रामबाई ने अपना स्टेटमेंट जारी कर कहा कि दमोह में कुछ तथाकथित व्यक्तियों द्वारा उन्हें लेकर जो बातें कही जा रही हैं वह पूर्णतः निराधार हैं। पूर्व मंत्री जयंत मलैया के पुत्र सिद्धार्थ मलैया आरोप लगाया है कि जेल के अंदर अवैध गतिविधियां चलती हैं, जेल में पैसे लेकर सजा प्राप्त अपराधियों को रात से सुबह तक बाहर निकलने की सुविधा रहती है। बंजारे जी, मैं आप प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड डोंट अंडरएस्टिमेट माय इंटेलिजेंस नॉर माय पेशेंस। डोंट अंडरस्टैंड, डोंट मिस डाइल्यूट माय इंटेलिजेंस। मेरे को मालूम है मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे को मालूम है, आई नो माय पॉलिटिक्स। वो विधायक नहीं रहेंगी, वो विधायक अगर रहेंगी तो प्रदेश के बाहर जाना होगा उनको। राणा जेलर यहाँ पर, जेल के अंदर क्या हो रहा सबको पता, अपने सगे उसके बेटा, सगा बेटा सगे हाथों से पैसे लेता है मिलवाई के। अधूरी सरकारें ऐसे ही होती है, इसलिए जनता को याद करना पड़ेगा। अरे दोष सिर्फ नेताओं का और सरकार का नहीं है, जनता का भी है, मेरा और आपका भी है। वहाँ पर लोगों को कितनी बुरी तरह से मारा जाता है पैसे के लिए, ये सबको पता होना चाहिए। ऐसा सुनने में आता है कि शराब भी होती है और शराब भी होता है वहाँ पर। ऐसा सुनने में आता है कि वहाँ से लोग अपराधी रात में चले जाते हैं 11 बजे और वापस सुबह 4 बजे आते हैं, एसी में रहते हैं वहाँ पर। एसी से बुराई नहीं है, पर इतने सारे अनैतिक काम होते हैं उसके लिए कोई बोल रहा है, कोई लिख रहा है, कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक,
चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।